सो हे गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्सबॉक्स 360 4GB वेरिएंट की। आप इसकी स्पेसिफिकेशंस भी देख सकते हैं, 4GB वेरिएंट है ये, और इसकी अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, और साथ में GTA 5, इसको अभी आगे वीडियो में बताते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले एक्सबॉक्स वैसे वर्थ बाइंग है, पर इसकी थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं कि इसमें एक्सबॉक्स लाइव की मेम्बरशिप चाहिए होती है अगर ऑनलाइन खेलना है। ऑफलाइन के लिए बहुत सही है, वर्थ बाइंग है। बाकी इसमें एक कंट्रोलर है हमारे पास एक्सबॉक्स 360 का, और साथ में कुछ वायर्स हैं कनेक्ट करने की। वैसे आप HDMI भी लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं, HDMI ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। और बाकी थोड़ा पेपर वर्क है, और इसका अडाप्टर है, तो चलिए अब निकालते हैं सबसे ये मेन चीज जो कि है कंसोल। काफी भारी है ये, तो गाइस ये रहा कंसोल, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन है। और यहाँ से इसकी हार्ड डिस्क भी होती है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी हार्ड डिस्क डलती है जो कि इसमें नहीं है, ये 4G वाला वेरिएंट है, आप एक्सटर्नल इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके पीछे पोर्ट्स हैं, ये पावर का पोर्ट है, ये HDMI का, और ये जो वो वाली पावर केबल मिली है वो है, ये ऑप्शनल है, आप ये लगा सकते हैं या HDMI केबल लगा सकते हैं। फिर पीछे आप USBs लगा सकते हैं और इंटरनेट केबल लगा सकते हैं। बाकी इसमें वाईफाई इनबिल्ट है, वाईफाई आपका इजीली कैच कर लेगा। और ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला कंसोल जो है ये क्रैक नहीं होता है, या मॉड बोल लो या JTAG बोल लो, ये क्रैक नहीं होता है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ CD लगा के प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने GTA 5 खरीदी है, ये वाली GTA 5 मैंने OLX से खरीदी थी, ये मेरे को काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल गई थी और सही प्राइस में मिल गई थी। ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 1000 की, सेकेंड हैंड है ये। इसके अंदर दो CDs होती हैं, और इसमें मुझे मैप नहीं मिला है। इसमें आपके कंट्रोलर्स बता देते हैं क्या कंट्रोल्स हैं गेम के, और इसमें दो CDs हैं, एक इसमें प्ले वाली है और एक इसमें इंस्टॉलेशन है। बाकी इसके ऊपर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, इंस्टॉलेशन प्लस गेम प्ले ऑफ GTA 5 की। और एक्सबॉक्स की बात करें तो ये मैंने नेहरू प्लेस से ख़रीदा था, एक शॉप थी वहाँ पे मेरे को सेकेंड हैंड ये 2000 में मिल गया था, तो मैंने डील छोड़ी नहीं। तो गाइज ये जैसे कि मैंने बताया 4GB वेरियंट है, तो इसमें पेन ड्राइव एक मेजर रोल प्ले करेगी। मैं आपको इसमें पेन ड्राइव लगा कर दिखाया था, आप यहाँ तो यहाँ पे लगवा सकते हैं पेन ड्राइव, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग सकती है, यहाँ बैक साइड पे लगा सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि बैक साइड पे लगाएं, क्योंकि आगे कहीं पे डैमेज होने के चांसेस हैं, तो आप पीछे इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम 16GB की पेन ड्राइव तो चाहिए ही चाहिए GTA 5 के लिए, और बाकी आप और बड़ी भी लगा सकते हैं। और बात करें अगर कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर काफ़ी सही कंडीशन में था, इसको ऑन करेंगे तो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, अभी पावर कॉर्ड नहीं लगाई है मैंने। पीछे इसके सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ये चार्जेबल बैटरीज होती हैं, आप इन्हें चार्ज करके कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं। गाइज मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन भाइयों को नहीं पता कि क्रैक या JTAG या जेलब्रोक मॉड ये सब एक ही चीज़ है, जिनको नहीं पता ये क्या चीज़ों को मैं बता देता हूँ कि ये होता है कि एक्सबॉक्स में आपके एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिससे कि उसमें पायरेटेड गेम चलती हैं। ये एक बेनिफिट ही होता है एक्सबॉक्स यूज़र्स के लिए, एक बेनिफिट ही होता है क्योंकि आप इजीली चीप गेम्स उसमें चला सकते हैं, जैसे 30 या 40 रुपये में गेम्स चल जाती है। क्रैक जो एक्सबॉक्स है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आप करोलबाग में जाएं वो 1000 रुपये में आपको 30 से 40 गेम डाल के देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रैक्ड एक्सबॉक्स में। तो इसमें उन एक्सबॉक्स का बेनिफिट होता है,
और अगर बात करें ये वाले एक्सबॉक्स की, जो मेरे पास है 4 GB वाला वेरियंट, जो कि क्रैक नहीं होता है, नॉट ऑल एक्सबॉक्सेस, सिर्फ ये वाला ये क्रैक नहीं होता है, और काफ़ी ऐसे एक्सबॉक्स होते हैं जो क्रैक नहीं होते हैं, उसमें सारा रोल प्ले होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। आप कभी भी करोल बाग या किसी भी डीलर को फ़ोन मिलाओगे जो गेम्स बेचते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, उनको फ़ोन मिला के आप जब भी उनसे पूछेंगे तो वो सीधा ये क्रैक करने के लिए, तो वो पूछते हैं कि एक्सबॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट बताओ, एक्सबॉक्स के पीछे लिखी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से उसमें सॉफ्टवेयर डलता है। तो ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले एक्सबॉक्सेज हैं, इन पे इनका सॉफ्टवेयर है नहीं, तो ये क्रैक होते नहीं हैं, तो इसलिए एक डिसएडवांटेज होती है, वाले एक्सबॉक्स तभी सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनकी फिर आपको गेम्स खरीदनी है वो फिर महंगी आती है एट द एंड, क्योंकि हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार आपको पता ही है कि क्या प्राइजेस हैं ओरिजिनल गेम सीरीज़ के, वो महंगे आते हैं, तो इसका बस ये ड्रॉबैक होता है, और इसी वजह से ये वाले एक्सबॉक्स सस्ते मिलते हैं क्योंकि क्रैक नहीं होते, और जो क्रैक्ड वाले एक्सबॉक्स है वो आपको करोल बाग में आपको 8 हज़ार तक के मिल जाएंगे। तो गाइस मैं इसके बारे में बात कर रहा था, अगर आपको एक्सबॉक्स 360 4 GB वाला वेरिएंट अगर लेना है तो आपको सस्ते प्राइस में मिल सकता है, इसके लिए आपको पालिका बाजार या करोल बाग विजिट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि दिल्ली NCR में वो ही एक गेमिंग मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। पर अगेन इस कंसोल के लिए आप 5,000 से ऊपर बिल्कुल स्पेंड मत करना, 5,000 के अंडर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो वर्थ इट है, इसके ज़्यादा इस पर स्पेंड मत करना, क्योंकि अगेन ये क्रैक नहीं होता है, इसके लिए आपको गेम्स परचेज करनी पड़ेंगी, और अगेन गेम की कॉस्टिंग काफ़ी महंगी है अगर आप नई खरीदने जा रहे हैं। GTA 5 की अगर बात कर ले तो ये नई अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी करंटली 2400 के अराउंड मिल रही हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती हैं, और अगर आप सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो आप OLX पे देख सकते हैं, या अगेन करोल बाग या पालिका बाजार में उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। अगेन इस गेम की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो ये नहीं मिल पाती है, तो इसलिए आपको उनसे कांटेक्ट करते रहना होगा, और वैसे सही रहेगा कि आप OLX से देखें, आपके नियर बाय कहीं ना कहीं मिली जाएगी और सस्ते प्राइस में सेकेंड हैंड गेम सही रहती है। अब बाकी गेम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसा चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ये आज ही खरीदे मैंने, इसका गेम प्ले अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। और करोल बाग और पालिका बाजार में जितने भी अच्छे सेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनका सबका मैं नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके पास शायद मिल जाए गेम, पर ये अगेन बहुत हाईली डिमांडेड गेम है तो इसलिए ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है ज़्यादातर, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते रहें तो शायद मिल जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज ऑन GTA 5 गेम प्ले। थैंक यू गाइस।